जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय, अ रेनॉन्ड प्लेटफॉर्म फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस। अब हमारा जो एक टॉपिक है आज का, वो ये है कि पाकिस्तान में एक जाने माने यूट्यूबर जो कि पब्लिक रिएक्शंस लेते रहते हैं अलग अलग जगह पर जाकर, मैं भी एक बार उनके चैनल पर गया हूँ, हमने भी एक हिस्टोरिकल डिस्कशन की है, उनको उनके व्लॉग चैनल पर एक खबर आई कि भाई उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जब भाई साहब गिरफ्तार कर लिया गया तो ऑब्वियस सी बात है झटका तो लगेगा। अब गिरफ्तार किया गया तो मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं कि असलियत में कहां किस तरीके से, मुझे कैसे पता लगा, तो उनके फेसबुक पेज के ऊपर इस तरीके की एक, सॉरी यूट्यूब के ऊपर इस तरीके की एक तस्वीर आई और उस तस्वीर के अंदर वो जेल में दिखाई दिए। शोएब चौधरी व्लॉग्स, व्लॉग्स जो भी आप कहते हैं, गेट अरेस्टेड बाय पुलिस, पाक मीडिया प्रोपेगेंडा अगेंस्ट शोएब, स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग रिगार्ड्स टीम रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अब जिस तरीके से शोएब भाई को जेल के पीछे या सलाखों के पीछे डाला गया, मीडिया के प्रोपेगेंडा से ज्यादा कहीं ना कहीं एक शक तो हो गया कि भाई इनको जो गिरफ्तार किया गया है या वो गिरफ्तार हो गए हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट, कुछ तो ऐसा है जो मतलब मीडिया को या यूट्यूब को दबाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के उनके वीडियोज आते हैं बहुत सारे, हो सकता है पाकिस्तानियों को अच्छे नहीं लगते हों, और उससे भी बड़ी बात हो सकता है पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के बाकी एस्टेब्लिशमेंट को अच्छे ना लगते हों। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दूसरा पार्ट ये भी क्रिएट होता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके उनकी किसी बात को दबाने के लिए ऐसा कुछ किया गया हो। तो इसी पूरे मसले को समझने के लिए मुजफ्फर भाई मेरे साथ हैं। मुजफ्फर भाई, असलियत में ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये सारे का सारा वो है, और क्या कौन किस वजह से गिरफ्तार हुए, और क्या इसमें सरकार का कोई रोल है सर? जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। देखिए, ये जो मामलात है कुछ ये आज से नहीं है, पाकिस्तानी यूट्यूबर ये इनकी तारीख पुरानी है, ये पहले भी इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए तो पहले इसकी विक्टिम, जो सबसे पहली विक्टिम थी, वो रिबाहा इमरान है। आप जानते हैं, आपके जो चैनल पर भी बारहा वो आ चुकी हैं। तो रिबाहा इमरान भी इसी तरीके से पब्लिक रिएक्शन शो किया करती थी, जहां पर ये सारे लाहौर के यूट्यूबर्स जाते हैं, लिबर्टी मार्केट, बरकत मार्केट, वहां पर तो वो भी वहां पर जाती थी। और इसी तरीके से उसने एक दो वीडियोस बनाई थी जिसमें उसने सवाल किए थे कि जी लड़कियों से कि आप, अगर आपको मौका मिले तो आप किसी इंडियन से शादी करना चाहेंगी, तो उसको लेकर फिर कुछ जो ये प्रोपेगंडा चलाया गया पाकिस्तान के अंदर, एक प्लानिंग की गई, और प्लानिंग के अंदर आपको पता है कि एक और जो फीमेल यूट्यूबर है उसका नाम लिया गया, और मैंने खुद पर्सनली भी कुछ चीजें, कुछ प्रूफ ऐसे देखे कि जिससे मुझे, जो मेरा एक शक था वो यकीन में बदला कि उसके पीछे वही थी। और यही जो जिसने अभी शोएब चौधरी के साथ जो अभी कर रहा था मुकाबलाबाजी कर रहा था, जो एंकर था हमजा, यही उसके पीछे भी वही था। उसने वहां पर उसको हरासा किया रिबाहा इमरान को, वो रिबाहा घबरा कर भागी, वो उसके पीछे भागा, और बड़ी मुश्किल से उसने, रिबाहा ने अपनी जान बचाई, और फिर इस चीज को हाईलाइट किया। एक सेकंड जी जी, हमजा रिबाहा के पीछे भागा? जी जी बिल्कुल, ये वीडियो है, आप अगर देखना चाहें तो ये वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जिसमें रिबाहा अपनी जान जो है बचाकर भाग रही है। तो बड़ी मुश्किल से वो भागी है, और उसके बाद में ये वीडियो इतनी वायरल हुई है पाकिस्तान के अंदर कि मुझे, मेरे जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर देखने वाले हैं या कुछ जो ऐसे लोग हैं जो रेडिकल माइंडसेट है, तो वो मुझे कहते हैं, मुझे भी इसी ग्रोह का हिस्सा कहा जाता है कि जी रिबाहा, डॉक्टर अभिषेक और मुजफ्फर, ये एक गैंग बन चुका है जो पाकिस्तानी जो मुसलमान है उनको हिंदू करता है। ये आप सोच देखें कि मुझे भी इसी गैंग का हिस्सा बना दिया गया है रिबाहा और डॉक्टर अभिषेक, ये क्योंकि हम अक्सर चैनल पर इकट्ठे आते हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट हो रही है कि ये जिस तरीके से मुजफ्फर हिंदुओं की सपोर्ट में जाता है, माइनॉरिटी पे बात करता है, तो ये एक गैंग है कि जो डॉलर देकर लोगों को
मुसलमान से हिंदू बनाता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था कि ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान में चलती हैं। चीजें क्यों चली थी कि रिबाहा का चैनल उस वक्त बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, तो जो दूसरी फीमेल थी, क्योंकि वो इंडियन कंटेंट पे पहली काम करने वाली थी, मैं नाम भी बता देता हूँ, अब सारी दुनिया को तो पता, सना अमजद जो उनका नाम है, तो सना अमजद के ऊपर टोटली ब्लेम आया लगाया गया कि वो, उसने ही हमजा को बोला कि आप इस तरीके से इसको रिबाहा के ऊपर एक वीडियो बनाएं और उसको वायरल करें, तो ताकि रिबाहा का चैनल जो है वो डाउन हो जाए। अब देखें, जब से वो सारी वीडियो बनाई गई, रिबाहा के ऊपर प्रेशर डाला गया, उसके बाद रिबाहा बाहर नहीं निकल सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती, वो इतनी डरी और सहमी हुई है कि आज उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तो अभी तक रिबाहा जो है वो इसी जो फेस से बाहर नहीं निकल सकी, और वो मार्केट में जाकर कोई भी इस तरह पब्लिक रिएक्शन शो नहीं कर पा रही। वजह सिर्फ ये है कि उस वक्त उसका चैनल जो है वो ग्रो कर रहा था, और वो सारी चीजें सना अमजद को नहीं पसंद थी, और वो नहीं चाहती थी कि उनके मुकाबले में कोई और पाकिस्तानी यूट्यूबर ऊपर आए और उसके व्यूवरशिप को खतरा हो। तो ये सारी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चीजें हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो है वो शोएब चौधरी आए, उसके बाद में शोएब चौधरी ने बहुत ज्यादा नो डाउट के उन्होंने व्यूवरशिप गेन की। अब इनके मसाइल भी मुजम्मल के साथ इनके मसाइल शुरू हो गए, क्योंकि ये शोएब चौधरी पहले मुजम्मल से ही इन्होंने काम सीखा, मुजम्मल के साथ ही ये रहे थे, तो इस वजह से फिर मुजम्मल को भी लगा कि यार एक जो नया लड़का मुझसे ही सीखे, मुझसे आगे कैसे जा सकता है। तो ये सारी चीजें फिर वो एक जेलसी थोड़ी सी फील होती है, तो वही जेलसी के सिलसिले में इनकी भी आपस में गड़बड़ हुई, इन्होंने भी बातें की एक दूसरे के खिलाफ। शायला खां फिर आ गई, शायला खां की वजह से फिर ये शोएब चौधरी और शायला खां की आपस में हो गई। तो ये एक आप पाकिस्तानी यूट्यूबर में जेलसी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ वो देख नहीं पाते, और यही सारा सिलसिला अभी जो रिसेंटली हुआ है ये उसी का एक आप समझे कि है रिजल्ट है, कि जो है वो शोएब चौधरी भी नहीं चाहता कि शायला खान आगे बढ़े, शायला खान नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े, और ये सारा एक खिचड़ी सी पकी हुई है, और खिचड़ी के पीछे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है, और मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई है। और बाकी जो बात आपने की कि अरेस्ट किया गया, तो देखें कहीं भी कोई भी कोई मसला होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो पाकिस्तान के अंदर 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस को कॉल किया जाता है कि ये इस तरह प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए। तो वो उसी सिलसिले में जब हमजा ने कॉल की तो उसको दोनों को लेके जाया गया, वहां पर गए, उनकी प्रॉब्लम को सुना गया, और ये इतना कोई मसला नहीं था कि जिसको इतना हाईलाइट किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। देखिए खुल्लम खुल्ला मैं भी बात करता हूँ, शोएब चौधरी भी बात करते हैं, हर कोई बात करता है। हमें आज तक, मुझे, मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक दफा जब मैंने 9 मई वाली वीडियो लगाई थी, मुझे उस वक्त एजेंसीज की कॉल आई थी, उसके अलावा मुझे आज तक किसी की तरफ से कॉल नहीं आई, ना ही मेरे ख्याल में इनको कभी कोई कॉल आई होगी, या इस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को भाई डॉलर आ रहे हैं, हमें जो डॉलर आ रहे हैं वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ही आ रहे हैं, उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो चलता चलाया एक पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले। देखें ये बातें खुली हैं, ये बातें मैं खुली और साफ कर रहा हूं, इससे किसी को तकलीफ पहुंचती है, किसी को दुख पहुंचता है, तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ, लेकिन ये इसमें एक बात भी ना तो झूठी होगी, ना ही ये ऐसी अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें हैं। तो इससे अब देखें ये सारे मामले को आप देखें कि उसके बाद में ये थाने गए, थाने में इनकी बात सुन के इनको वापस भेज दिया गया, उसके बाद में रात को इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई, और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो बनाई गई है, एडिट की गई है, वहां पर तस्वीर लगा के आगे से सलाखें दिखाकर बताया गया कि ये इनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट नहीं किया गया इनको, वहां पर ये लेके गए हैं, तो उसके बाद में इनको जो है वो छोड़ दिया गया है, और उनको वार्निंग देके कि आपस में ये लड़े ना, ये नहीं कहा गया कि आप इंडियन कंटेंट पे वीडियो नहीं बना सकते, या आप इस तरह की वीडियो क्यों बनाते हैं, या क्या मसला है, इसके ऊपर कतन कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ अपनी एक टीआरपी बढ़ाने का, मैं समझता हूँ कि तरीका है, क्योंकि
क्या जरूरत पड़ी है? आप वैसे ही आप इतने फेमस हैं, आप इतने पॉपुलर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो इस तरह के थंबनेल लगाने का, इस तरह की वीडियो बनाने का फायदा क्या कि जिससे एक मजीद नफरत पैदा हो? देखें, मैं आज यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आपके साथ बैठा हुआ हूँ, या मैं और भी कुछ वीडियो बनाता हूँ, तो उसके पीछे एक मकसद है। एक मकसद वो यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे तल्लुकात आपसे बेहतर हों, हमारे पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हों। अगर मैं इस तरह के थंबनेल बनाऊंगा, जैसे कि कुछ थंबनेल इन्होंने बनाए हैं कि जहां पर वो बताया गया है कि जी बलूचिस्तान वांट टू मर्ज विद इंडिया, इस तरह के थंबनेल बनाने का क्या मकसद है? पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग ये थंबनेल देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? वही यही समझेंगे कि ये इंडिया के कहने पर ऐसे सारा कुछ हो रहा है। इंडिया आज तक डिनाई करता रहा है कि हमारा बलूचिस्तान के मामले से कोई तल्लक नहीं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं। हालांकि पाकिस्तान बारहा कहता रहता है, हमेशा यही बात करता है कि वहां पर जो है इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये इस तरह का थंबनेल बनाने का मकसद क्या है? ये तो फिर जाहिर करने वाली बात है ना कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है, कि ये कहना कि जी वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाह रहा है बलूचिस्तान। तो आप इस चीज को तकवीयत दे रहे हैं, आप इस चीज को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इस बात को कि जी इंडिया उस मामले में इन्वॉल्व है। तो ये आप देखें कि ये तो कश्मीर वाली आपने लगाई है ना, ये वाला देखें, तो इसमें देखें लिखा कि पाक बलूचिस्तान क्राइम वांट टू मर्ज विद इंडिया। तो इसका मकसद क्या है? क्या चाहता है बलूचिस्तान वाले, चाहते हैं कि इंडिया के साथ मर्ज हो? क्या इंडिया चाहता है कि बलूचिस्तान उसके साथ है? कतन ऐसी बात नहीं है। इस तरह की अगर हम थंबनेल लगाएंगे मुजफ्फर तो भाई, इस तरीके पाकिस्तान, की वीडियोस तो बलूच बलोच जो रियल वॉइस है उसको और खराब कर देंगे। उनकी बिल्कुल वॉइस, सही उनकी बात, जो आवाज है वो असलियत में किसी मामले के लिए भी है। वो आप और हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम जानते हैं वो उस जी मामले को, जो शैला ये जो बलोच लेडी है उसके तो पूरे मामले को डीरेल कर देगा ये इस तरीके की हरकतें करके। देखें, उससे यही सवाल बारहा किया जाता है कि आप किसके इशारे पे काम कर रही हैं, आप इंडिया के कहने पे तो नहीं करी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिनाई किया। आप इस तरह का थंबनेल लगा रहे हैं तो आप उस चीज को जो पाकिस्तानी मीडिया जो चीज शो करना चाहता है या बताना चाहता है या दिखाना चाहता है कि हाँ इसके पीछे इंडिया है, तो इस तरह के थंबनेल देखे तो ये हर बंदा ये समझेगा हाँ जी वाकई इसके पीछे तो इंडिया है और इंडिया चाहता है कि जी बलूचिस्तान जो इस तरह उसके हालात खराब हों और ये बलूची जो है वो इंडिया के साथ मिले। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह हमें सिर्फ अपने व्यूज के लिए, और इसकी वीडियो देखें, इस वीडियो के अंदर कोई जरा इस तरह की बात नहीं होगी कि जो इन्होंने कहा हो कि जी हाँ जी किसी बलोची ने कहा हो कि हाँ जी हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, या मायरंग बलोच ने आज तक कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि हमें थंबनेल लगाने की या सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये बात करने की जरूरत है। दूसरा आप देखें कि कश्मीर के ऊपर इन्होंने एक और थंबनेल लगाया है, वहां पर ये लगाया कि जी मोदी जी पाकिस्तानी कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मोदी जी जो हैं वो कश्मीर के अंदर हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक फजूल किस्म के थंबनेल हैं और फजूल किस्म की बातें हैं कि जिससे पाकिस्तानी जो लोग हैं जो ये समझते हैं पहले ही उनके दिलों में नफरत है, वो ये मजीद इसके ऊपर जब बात करेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये देखें ये लोग जो हैं वो इंडिया के एजेंट बैठे हैं और ये इंडिया की फेवर की बातें करते हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं। तो इससे नफरत मजीद बढ़ेगी। और जिस तरह से लोगों से फिर ये सवालात करते हैं, जिस तरह के जाहिल किस्म के लोगों से ये पूछते हैं, वो एंटी इंडिया बात करते हैं, तो वहां पर इंडिया के जो देखने वाले हैं वो मजीद उनके जज्बात भड़कते हैं, यार पाकिस्तानी इस तरह की बात करते हैं। तो ये हम कौन सी खिदमत कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपने डॉलर्स के लिए, हम जो पहले से एक खलीज है दोनों मुल्कों के, उसको मजीद गहरा कर रहे हैं। तरीका ये नहीं है कि तल्लुकात ऐसे बेहतर हों या हमारे लोगों में अवेयरनेस ऐसे है, उनको बिठा के समझाने की जरूरत है। इसके ऊपर मैं पहले भी जो तजवीज दे चुका हूं कि हमें मिलकर सेमिनार कराने चाहिए, जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, और या इस तरह बड़ी बड़े जो इदारे हैं उनके अंदर सेमिनार्स हों, वहां पर दोनों तरफ से जो इंडिया से भी इंटेलेक्चुअल हों, पाकिस्तान की तरफ से भी हों, जो बैठकर बात इसके ऊपर बात करें और समझाएं लोगों को ये इस असल मसला क्या है, क्यों दोनों मुल्कों के दरमियान प्रॉब्लम है। ये इस तरह से आप एक माइक पकड़ के ले जाकर किसी के मुंह में ठोंस देते हैं, वो इंडिया को गालियां देना शुरू कर देता है। तो ये इससे कौन से तल्लुकात को आप बेहतर कर रहे हैं, या क्या
क्या लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें मैं कोई खिदमत नहीं कर रहा, तो मैं कोशिश वैसे ये करता हूँ कि इस तरह के जो नेगेटिव रिमार्क्स वाला बंदा है मैं उसकी बात आगे लेके ना जाऊं, लेकिन यहाँ पर उस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर थंबनेल में लिखाया जाता है कि जी ये देखें ये इंडिया के खिलाफ ये बात कर रहा है। कुछ लोगों के बारे में तो ये यहाँ पर है कि वो जानबूझकर कहते हैं लोगों से कि आप इंडिया के बारे में गलत बोलो, आप इंडिया के बारे में ऐसे बोलो ताकि हमारे व्यूज ऐसे ज्यादा आए। तो मुझे भी इवन मुझे कुछ इंडियन दोस्त बोलते हैं यार तुम मसालेदार चीज नहीं बनाते, तुम इस तरह लोगों को भड़काते नहीं। मैंने कहा भाई मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं कह सकता कि तुम इंडिया के हक में बोलो इंडिया के खिलाफ बोलो। कैसे कैसे लोग, मैं आपको, मेरी समझ से बाहर है कि ऐसे लोग भी हैं जिनको मोदी जी से कोई सरोकार नहीं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनके थंबनेल के नीचे क्या, उनके इंटरव्यू के नीचे मोदी इज बिग फैन इन पाकिस्तान। ओ भाई ये आप सोच सकते हैं कि मोदी का कोई बड़ा फैन पाकिस्तान के अंदर होगा? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और सिर्फ व्यूज के लिए ऐसे हो रहा है। कतन किसी को मोदी जी से मोहब्बत नहीं है, कोई मोदी जी का फैन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हाँ उनको, उनकी तारीफ करने वाले हैं, उनके अच्छे कामों को सराहने वाले जरूर हैं, और ये अगर आज कहा जाए कि ये लाहौर के अंदर जो एक बंदा बैठा हुआ है और बड़े बड़े वो दावे करता है कि मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूं, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। मेरी बात का मेरे जो इंडिया के देखने वाले भाई हैं उनको दुख और गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन हकीकत है, ये रियलिटी है, और मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जी मुजफ्फर भाई, जो ये YouTube चैनल्स आपके यहाँ चल रहे हैं, देखिए, हाँ ठीक है, व्यूअर्स हमें ऐसा लगता है कि आपका जो प्राइम सोर्स ऑफ इनकम, बहुत से यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं उनका प्राइम सोर्स ऑफ इनकम ये YouTube ही है, और पॉसिबली इसीलिए व्यूज जो हैं वो मैटर करते हैं। भाई हम लोगों के लिए एक साइड वाइब है कि ठीक है यार, टाइम पास के लिए मान लिया 4-5 घंटे पढ़ा लिया, उसके बाद पढ़ाने के बाद फ्री हो गए, फ्री होने के बाद हम YouTube पे आके बैठ गए, और व्यूज इतने मैटर करते नहीं, इसलिए बहुत सारे वीडियो ऐसे भी जो 2-3 हज़ार व्यू लेके जाते हैं, लेकिन मुझे उसका आइडिया अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो चलता है, रखा रहेगा, मैं उसे हटाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका आइडिया मैटर करता है। आपके यहाँ के बहुत सारे चैनल्स जो हैं मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चैनल अच्छे नहीं है, यकीन मानिए आपके यहाँ शायद एक मुजम्मिल जी हैं, शाही सैयद मुजम्मिल समथिंग उनका नाम है, आई एम द जी फैन ऑफ दैट पर्सनैलिटी, जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, और एक लॉजिकली नेशनल इंटरनेशनल राइटर्स के रेफरेंसेस लेके बातचीत करते, तो बहुत अच्छे हैं। एक दो और हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक दाढ़ी वाले हैं, बाल उनके भी नहीं है, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, मैं उनको देखता हूँ, वो काफी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो रिएक्शन गैंग है ना, एक जो रिएक्शन लेते फिर रहे हैं, वो आप जैसे कह रहे हैं, वो जानबूझकर, ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को दिखाते जो बेवकूफाना बातें करें? और एक आपको नहीं लगता कि अगर वो आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत मतलब जानबूझकर उन लोगों को कहते हैं कि इंडिया को गाली बको या ऐसी बात करो कि जो हम, हमारे पास ईमान है, इस्लाम है, और हम इंडिया के ऊपर एटम बम गिरा देंगे, इंडिया पे ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जानबूझकर आपका यूट्यूबर पूछता, अच्छा फिर ऐसे कैसे? अब इसमें दो चीजें दिखाई देती हैं, एक आपके ये जो यूट्यूबर हैं ये टारगेट कर रहे हैं इंडियन ऑडियंस को, कि वो इंडियन ऑडियंस देख के खुश हो कि देखा हमारी कितनी बड़ाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अनचाहा सा नुकसान कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खुद की इमेज का भी कर रहे हैं कि हाउ इडियट पाकिस्तानीज आर। लोगों के दिमाग में तो यही इंप्रेशन जाएगा ना कि यार इतने इडियट हो सकते हैं ये लोग, कि हर चीज में ईमान, हर चीज में इस्लाम। अब जैसे मैं आप ही के यहाँ के YouTube चैनल की किसी की बात कर रहा हूँ, हम अगर मैं सही हूं तो, उसने एक बच्चे से पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, मदरसा जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कि अच्छा हूरे देखिए, कि हाँ हूरे कितनी सुंदर होती हैं, कि इतनी सुंदर होती हैं कि अगर वो समंदर में थूक दें तो समंदर का सारा खारा पानी मीठा हो जाए। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अभी आपसे बात सुन के, बात करके मुझे एक चीज ऐसी लगी कि यार मेरे दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा उस जैसे उस बच्चे की, या उस जैसे बच्चों की बातें सुनकर। इसका मतलब तो आपके यूट्यूबर्स जो हैं आपके पाकिस्तान की ही इमेज खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी ग्रुप या यूट्यूबर है ही नहीं, मजाक की सौ बात है कि जैसे एक लड़का वो माइक लेके घूमता रहता है, वो लड़कियों से ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है और लड़की बेचारी फंस जाती है, तो वो ये कहता है कि हाँ देखो कितनी बेवकूफ है लड़कियां, इस तरीके का तो एक दार है।
लेकिन मैंने इंडिया के मामले में कभी ऐसा कोई यूट्यूब चैनल अभी तक तो नहीं देखा जो इस तरीके के रिएक्शन ले पाकिस्तान के बारे में और उससे कहे कि बता अच्छा आप कितना और जानबूझकर ऐसे ऐसे रिएक्शन वो कोई क्या नाम है लाइन्स उठा के लाए कि इंडिया वाले बेवकूफ लगे, इंडिया की इमेज मलाइन हो, क्या चक्कर क्या है ये, क्या इतना मतलब पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत होगी कि देश के नाम को ही खराब करना तो शुरू कर दें और उसके लोगों की इमेज ऐसी बना दें कि बेवकूफ भरे पड़े हैं। सर देखें, देश की बात तो अलग है, आप शुएब चौधरी की बात कर लेते हैं, पूरा इंडिया इनके पीछे है, इनके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। पीछे कुछ दिन पहले ये कुछ माह पहले मंदिर के ऊपर भी गए, वहां पर जाकर इन्होंने जो बात की कि जी मैं अकेला यहाँ पर मंदिर डिमोलिश हुआ वहां पर आया हूँ और कोई नहीं आया, मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ पर कोई आए और मैं मेरे साथ मिलकर काम करे। तो मैं वहां पर गया, ये वहां पर मौजूद थे, मैंने इनको कॉल की, मैंने इनको मैसेजेस की, इन्होंने ना मेरी कॉल उठाई ना मेरे मैसेज का जवाब दिया। तो इससे जाहिर क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए वहां पर गए। और मैं आपको ये बताऊं, जो एक मंदिर डिमोलिश किया गया, मंदिर के ऊपर अब वहां की जो पंचायत कमेटी है, हिंदू पंचायत कमेटी, वो केस भी लड़ रही है, उम्मीद है वो केस जीत जाएगी, दोबारा से वो मंदिर वहां पर बन जाएगा। एक मंदिर की अहमियत ज्यादा है या जो हजारों की लाखों की तादाद में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है, वो इशू ज्यादा सेंसिटिव है? आप मुझे इस चीज का जवाब दें भाई। ऑब्वियसली बात है, जो ह्यूमैनिटी को क्रश कर रहे हैं, इंसानियत को जो खत्म कर रहे हैं जी, तो उसके ऊपर कौन गया? इन में से जितने भी, मैं इनको इल्जाम नहीं देता क्योंकि वो एक खतरनाक काम है, कोई गया इनके ऊपर जाकर उसने माइनॉरिटी के ऊपर बात की हो, मियां मिठू को उसने वहां पर जाकर चैलेंज किया हो कि हाँ जी मैं आपके इलाके में आया हूँ, आपने 3 बच्चियों को जो अगवा किया है उसको कन्वर्ट किया है, उसके मामले पर किसी ने आवाज उठाई हो, किसी ने बात की हो? कोई नहीं गया। आपका ये भाई वहां पर गया, उनके घर में गया, उनके साथ वहां पे डीपीओ के साथ हमने मीटिंग की और उनके ऊपर प्रेशर डाला, कोशिश की, लेकिन वो इतने स्ट्रांग, इतने बाअसर मियां मिट्टू है, आपको पता है कि वो एक डीपीओ भी उसके लड़कियां वापस बाजियाब नहीं करवा सका। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर वहां मियां मिट्टू को जाकर चैलेंज किया। तो ये यहाँ पर सेफ साइड पे बैठ जाते हैं, जाकर कराची बैठकर मंदिर के ऊपर वीडियो बनाकर वो अपने आप को हीरो बना देते हैं, ये यहाँ पर बैठकर बातें कर लेते हैं। तो रियलिटी ये है कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जितने मजालम हो रहे हैं, जितने उनको प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, कभी वहां पर जाकर भी देखें कि उनके क्या हालात हैं। मैंने कई ऐसे जो लोग हैं उनको वहां से बाहर निकलने में मदद दी है, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने में, जिनकी जान को खतरा था, तो मैंने एफर्ट की, कोशिश की कि वो अपनी जान को यहाँ पर बचाकर बाहर जाएं। इसमें मैं दीवेक भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इसमें भरपूर हेल्प की है, और कुछ फैमिलीज यहाँ पर यहाँ से पाकिस्तान से अब बाहर शिफ्ट हो चुकी हैं और कुछ जाने वाली हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ व्यूज के लिए हमदर्दी ना जाहिर करें कि जी मैं हिंदू कम्युनिटी का बहुत वेल विशर हूँ, मैं देखें जी मैं मंदिर के ऊपर चला गया हूँ, तो जिनकी जान भी बचाना चाहिए। अगर आपको नजर आ रहा है कि कुछ लोगों की जानों को खतरा है, तो वहां पर भी अपनी एफर्ट को दिखाने की जरूरत है। सिर्फ पैसे के लिए सारे काम नहीं होते, इंसानियत के लिए भी और किसी की जो है जान बचाने के लिए भी मैं समझता हूँ कि हमें काम कर लेना चाहिए। तो इसमें अब आगे ये देखें कि ये जब भी कोई मामला होता है, पहले शैला खां के बारे में उन्होंने बोला कि इसकी तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं इसको अगर ये मुझे बोलेंगी तो ये मैं इसको नेट के ऊपर दे दूंगा। उससे पहले उन्होंने अनम और उसके बारे में मुजम्मल के बारे में बोला कि इनकी मेरे पास वीडियो मौजूद हैं, मैं अगर कोई ऐसे बात करेंगी तो मैं वो जो है वो उनको वायरल कर दूंगा। अब इन्होंने सनामजद के बारे में बात की कि जी सनामजद और हमजा की मेरे पास तस्वीरें हैं और मैं उसको कर दूंगा। तो ये भाई ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं? वैसे तो हम नारे लगाते हैं कि जी मोदी जी ने वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम किया है, मोदी जी ने औरत की जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा उनको हकूक दी थे, यहाँ पर आप बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं, पाकिस्तानी जो खवातीन हैं, वो बाहर निकलकर अगर कोई इस तरह का काम कर रही है तो आप उनको हरासा कर रहे हैं, खुद आप उस चीज के एंटी जा रहे हैं। तो ये एक तजाद है, एक इनके कॉल ऑफ फेल में अपने आप को एक हीरो बनाने में, दिखाने में,
और हकीकत में बहुत फर्क है सर। तो मैं ये चाहता हूं कि ये नकाब जो है वो उतर जाना चाहिए, लोगों को इनकी हकीकत जान लेना चाहिए। सिर्फ उस हद तक रखें जिस हद तक ये लोग हैं, उनको इतना हीरो ना बनाएं, इनको इतना सर पर ना चढ़ाएं कि जो है वो बाद में जो है आप लोग पछताएं कि ये हमें दिखाया कुछ और गया था और अंदर से निकला कुछ और। मुजफ्फर भाई, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझाया। हालांकि मेरे दिमाग में एक बात यही, कुछ और आइडियाज़ भी हैं, उसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन इतना पक्का है कि जिस तरीके से आपने ये चीज़ें समझाई, उसमें कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन गिरा हुआपन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक छोटी और घटिया सोच ज़्यादा दिखाई दे रही है, और YouTube पर व्यूज़ पाने के चक्कर में एक दूसरे के, अगर आप चैनल्स को अनसब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं, और एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर एक दूसरे के चैनल्स चैनल को बोला था खत्म कर, इन्होंने बोला शैला खान का चैनल मैं 10 दिन के अंदर डिलीट करवा दूंगा, ये कौन सी बात है भाई? अब इस लेवल पर ये गिरा हुआपन अगर ये करवाया जा रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर आप किस चीज के हीरो बनते फिर रहे, जो ऐसा कि आपने देखिए कहा। मैं यहां पर शैला खान को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी और को डिफेंड कर रहा हूं। मैं जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो सब सारी सामने, यहां पर इस गेम के अंदर देखें सबके हाथ रंगे हुए हैं, सबके हाथ जो है वो ये समझे के हैं कि इसमें सना अमजद भी शामिल है। सना अमजद ने जिस तरीके से रिबाहा के साथ सलूक किया, अभी भी मैं समझता हूं कि हो सकता है, मुझे इस कंफर्म नहीं है, लेकिन हमजा जिस तरीके से गया है, पहले सना अमजद के साथ गया है, और सना अमजद आज जो वीडियो उसने बनाई, उसने बोला कि ये चंद दिन पहले मेरे पास आया, जबकि सना अमजद ने ये रात वीडियो लगाई है, और हमजा ने अभी तक सना अमजद वाली वीडियो नहीं लगाई, और उसने फौरन आकर शोएब के साथ ये इस तरह अटैक किया उसके ऊपर जो किया वो। मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो उसने हमजा ने ठीक किया या उसने गलत किया, मैं इस चीज को हकीकत बयान कर रहा हूं कि इसके पीछे कहानी क्या है और व्यूज का चक्कर है। उसने व्यूज के लिए, हमजा ने भी व्यूज के लिए सारा कुछ किया, अब जिस तरीके से उस चीजों को आगे शोएब चौधरी बयान कर रहा है, वो भी व्यूज के लिए सारा कुछ कर रहा है, अपने आप को विक्टम कार्ड शो करके कि मेरे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है और मुझे गिरफ्तार किया गया, हालांकि कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, आपका बहस मुबासा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमें भी कई बार लोगों ने आकर रोका और उन्होंने झगड़ने की कोशिश की कि भाई आप क्यों हर वक्त इंडिया का नाम लेते करते रहे, लेकिन हमने तो कभी इस तरह की वीडियो नहीं डाली या अपने आप को मजलूम जाहिर करने की कोशिश की। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ओनली फॉर TRP। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आपने जो बात की थी ना, मेरी आज भी एक इंडियन भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी चैनल को सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, कि ये कितने जाहिल लोग हैं, किस तरीके से हमें कहते हैं हमारा दिमाग थका हुआ होता है, हम बहुत परेशान होते हैं, तो हम ये लगा के देखें दे यार ये देखें कितनी ये बकवास कर रहे हैं लोग, ये कितना कुछ बोल रहे हैं, वो इस तरीके से हमें देखते हैं, हमारे चैनल को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, और वो हमें हमें देखकर वो तफरी हासिल करते हैं। तो ये हमारे लिए बायस शर्म बात है, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बायस शर्म बात है कि हम वही चीजें दिखाते हैं जो हमारे अंदर के एक गंध है, हमारे लोगों के दिमाग के अंदर एक जो चीज है, सिर्फ उसी को क्यों दिखाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। तो इस तरीके से एक बॉटम लाइन ये निकल के आई कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, वही पाकिस्तान की इमेज की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, और वो पैसे के मामले में इतने पागल हो चुके हैं कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए, एक तो होता है इज्जत के कपड़े फाड़ना, एक होता है सच में एक दूसरे के कपड़े फाड़ना। उस एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए ये लोग देर नहीं लगा रहे। अब आगे क्या होगा तो खुद देखो दोस्तों, वो तो वक्त बताएगा। मुजफ्फर जी ने जिस तरीके से समझाया, ये पगलाए हुए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारे इसमें, और नीचे गिरने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, और अपने देश की सिर्फ खिल्ली उड़ाकर, भारत के सामने खिल्ली उड़ाकर और दुनिया के सामने खिल्ली उड़ाकर सिर्फ पैसे बनाने में ये लोग लगे हुए हैं। सच्चाई है तो दोनों तरफ की दिखाई जाए, और रही बात दोनों तरफ की सच्चाई, और सही बात है भाई, भैया हम इंडियंस जो हैं इनको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की फॉर्म में लेते हैं, बाकी जाओ भाड़ में। कि हाँ, कोई इतना भी बेवकूफ हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने जज्बे को रख सकता है,
और अगर आप ये इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि सारे ही एक जैसे हैं, तो भाई साहब फिर तो अब ऊपर वाला ही मालिक है, उसका आउटकम क्या होगा। तो अभी हम इस डिस्कशन को यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। मुजफ्फर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारी नज़र आंखें खोल दी। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये अपने जो देखने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बातें उनको शायद ये हजम ना हो, उनको अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत यही है। और मुझे मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ जो इन लोगों के दीवाने हैं वो हो सकता है मुझे गालियां भी दें और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी करें, लेकिन मुझे आज तक मैं इस चीज का यहाँ पर हल्फन कहता हूँ कि मैंने आज तक अपने चैनल पर झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने कभी कोई स्क्रिप्टेड काम किया है। मुजफ्फर भाई, विचार और व्यक्तित्व, दो पर्सनैलिटी, ये दोनों सही होनी चाहिए। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को मेरे विचार सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, लेकिन मेरे विचार सही होने चाहिए, मेरे आइडियाज सही होने चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी को सही लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही होने चाहिए। और उस सही के लिए मेरे पास लॉजिक होना चाहिए, मेरे को प्रूव करने की हिम्मत होनी चाहिए। और मैं कैसा भी हो क्यों ना हूं, मैं अपने देश की इतनी बुरी तरीके से बुराई थोड़ा ना करूंगा कि मैं अपने भाई मेरे देश में अगर कोई समस्या है मैं खुद सॉल्व करूंगा, दुनिया के दूसरे देशों को दिखा के हंसी थोड़ा ना उड़ाऊंगा मैं। मेरे प्रधानमंत्री के बारे में जरा सी किसने बात करी है? मैं आग बगुला हूं इस टाइम पर। अगर सामने वो मालदीव का कोई भी आ जाता है, इस टाइम इरिटेशन है कि तूने मेरे तुम्हारे देश के लोगों ने मेरे प्रधानमंत्री की बेइज्जती कैसे करी। और हम अपने देश के लोगों, हमारी कमियां हैं, हम सुधारेंगे, कोई और आके थोड़ा ना सुधारेगा। और मैं अपनी कमियों की, गरीबी की या परेशानी की फोटो खींच खींच के लोगों को दिखा के और पैसे कमाऊंगा, तो मेरे से बड़ा दलाल कोई नहीं होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इस टाइम पर आप जो बता रहे हैं वो तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि लोग पता नहीं एक दूसरे के कपड़े क्यों फाड़ने में लगे हुए हैं। और अगर एक बात बताइए जी, अगर देखे ये इतने ही सिंसेयर हैं, इतने ही ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हों, तो ये लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं इनका आपस में इत्तफाक क्यों नहीं है? ये देखे ना, ये ना, 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 एक बात सुनिए भाई साहब, इस चीज से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। इस चीज से, जैसे आपने अभी बताया कि क्या बलूचिस्तान इंडिया में मिलना चाहता है, इससे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे बल्कि और खराब होंगे। और इस हद तक खराब होने वाले हैं कि हालत, मतलब आउटकम नहीं आने वाला किसी चीज का। आप बलूचिस्तान को कह रहे हैं कि वो तो, पर क्या पाक पीओके में मोदी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? ये तो मोदी, आप पाकिस्तानियों को भड़का रहे हो। बिल्कुल, ये तो आप भड़का रहे हो पाकिस्तानियों को। और इससे तो इसको तो प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही है, देखे ना, ये तो एक सीधा सीधा प्रूफ है कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ये सीधी ऐसी बात है कि बलूचिस्तान वाला जो, अगर आप वो थंबनेल देखें तो वो इस चीज को प्रूफ कर रहा है, जो पाकिस्तान का स्टैंस है, पाकिस्तान बहरंग जो कह रहा है, का पूरा का पूरा मूवमेंट को इसने खतरे में डाल दिया। ऐसे ही है, या तो पढ़ा लिखा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सा नहीं है ये। सर, पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, हेडलाइन पकड़ के माइक उठाते हैं और मार्केट में चले जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पता होता कि खबर नीचे क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है और सिर्फ क्या है। सिर्फ और सिर्फ प्रशांत धवन को देखना है, उसके हेडलाइन क्या है और भाग गया जी माइक लेके। उधर देखा जी दूसरा जो है ANI न्यूज के ऊपर क्या चल रहा है, हिंदुस्तान टाइम के ऊपर क्या न्यूज चल रही है, वो उसका थंबनेल देखा और उसकी हेडलाइन पढ़ी और भाग गए। ये तो जब काम होगा तो उसके पीछे फिर क्या होगा? यही चीजें होंगी ना, आपको पता ही नहीं कि खबर क्या है, उसकी तफसील क्या है, उसकी डिटेल क्या है, और आपने सिर्फ ऊपर लगाना, अंदर से वो सिर्फ इंडिया को गालियां होनी है या मोदी जी की वाह वाह होनी है, ये दो चीजें होंगी। आप कोई वीडियो उठाकर देख लें, सिर्फ दो चीजें होंगी, या तो इंडिया को गालियां पड़ रही होंगी, इंडिया के ऊपर बम मारने की धमकियां होंगी, या मोदी जी की वाह वाह होगी, बस। तीसरा कोई काम नहीं होगा इनकी वीडियो में। और व्यूज देखें, व्यूज मिलियन व्यूज, 500K व्यूज, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग भी इस तरह की जो चीजें हैं वो बड़े पसंद करते हैं इंडिया के लोग। इंडिया के लोग पसंद नहीं करते भैया, एंटरटेनमेंट है, टाइम पास।
ठीक है जी, फिर चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू भैया। अगर कोई अपने देश के लोगों की बेवकूफी हमें बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं, उसमें अगर 100-200 बिलियन डॉलर तुम्हारे यहाँ पहुंच भी गया और हमारे 140 करोड़ का एंटरटेनमेंट हो गया, तो 140 करोड़ के एंटरटेनमेंट के लिए 200 बिलियन पैसा सही, क्या समस्या है? अब आप कहोगे मैं घमंड में बोल रहा हूं, मैं घमंड में थोड़ा ना बोल रहा हूं, किसी को अपनी अपने कपड़े उतार के दूसरों का एंटरटेनमेंट करने में मजा आ रहा है तो मेरे घर से क्या जा रहा भैया, कर ले, दो चार चिल्लर फेंक दूंगा मैं, मतलब इंडिया आपने जो बात की है ना, आपने बात की ये जो अपने घर वाली बात, तो ये देखें एक रेडी के ऊपर जा रहे हैं जनाब मौसूफ जो हैं शुएब चौधरी साहब, आटे की कुछ थैले रखे हुए हैं और जो जो गरीब महिलाएं हैं वो पीछे भाग रही हैं, आटे के लिए भाग रही हैं, ये रेडी को भगा के लेके रक्षा या रेडी क्या है वो पीछे पीछे भाग रही हैं। ये देखें कितनी तजलील है इंसानियत की। कभी ये कपड़े वहां पर बांटने चले जाते हैं और उनको आपस में लड़ा देते हैं, कभी ये चावल को नीचे गिरा रहे होते हैं। तो ये खुदा के लिए आप इस तरह के काम क्यों करते हैं? इस तरह की आपने किसी की मदद करनी है तो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं जी, वीडियो बनती है, आप देखें वीडियो तो देखें सही। ये सारे इतनी तजलील होती है, मुझे यकीन माने मेरी आंखों से आंसू निकले। मैं भी इस तरह के काम करता हूं, मैंने भी मुख्तलिफ जगह पर जाकर इस तरह की जो काम किए हैं, लेकिन मैंने उनके सर पे हाथ रखा है, उनको अपनी माँ समझा है, उनको अपनी बहन समझा है। तो ये तरीका होता है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। एक सेकंड, कम इसी आप आटा बांटने गए, आप चावल बांटने गए, कपड़े बांटने गए, उसमें वीडियो बना रहे हैं जी, वीडियो बना रहे हैं और उनकी लड़ाई करवा रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, पीछे पीछे अपने वो आपके पीछे भाग रही हैं, आप आटा लेके आगे जा रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रही हैं आपके आटा लेने के लिए। तो ये क्यों तजलील करते हैं? आप भी माँ वाले हैं, आप भी बहन वाले हैं, तो कम अज कम इस तरह तो उनकी तो इज्जत का ख्याल करें ना यार। अच्छा आपने इंडियन चैनल इतने कितने देखे जो कि आटा दाल चावल बांटते हुए वीडियो बना रहे हैं? जी मैंने तो कोई नहीं देखे, हमारे यहाँ एक बंदा है, मैं उसके वीडियोस का फैन हूं, मैं नाम नहीं जानता और मैं एक्चुअली बहुत कम ही है, एक आधी बार कोई वीडियो कभी देख ली सो देख ली। वो बंदा जाता है, एक बंदे को कहता है बाबा ये गुब्बारे कितने के हैं, कि बेटा 500 रुपए के लाओ, ये आज के तुम्हारे 2000 रुपए हो गए। और असलियत में वो बड़े तरीके से जाता है, उसकी फेस की स्माइल की फोटो खींचता है कि किसी की अगर मदद हो जाए तो उसके चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आती है, और उस वीडियो को देख के मजा आता है कि यार देखो एक इंसान की जब हम मदद करते हैं तो उसके दिल को कितनी खुशी होती है ना, उसकी उसमें मेच्योरिटी दिखती है। मैं आपको अपने कई इस तरह के वाकये बता सकता हूं कि जब मैं वहां पर गया, मैंने उनके हालात देखे तो मैं मेरी आंखों से आंसू, मैं लिटरली मैं रो पड़ा। एक वाक्य ऐसा है कि मैं एक गया वहां पर, जब ये आटे की लाइनें लंबी लंबी लाइनें लगी थी, हमारी माएं बहनें लाइनों में लगी हुई थी, और सुबह से यानी कि सुबह 6 बजे से वो लाइनों में लगी हुई थी और बारिश हो रही थी। आप अंदाजा करें कि सर्दियों के दिन थे और बारिश के अंदर वो 3-4 घंटों से खड़ी हुई थी, और अचानक से इंतजामिया ने 4 घंटे बाद ऐलान कर दिया कि आज आटा नहीं मिलेगा। तो उनका हालत बताया कि जो सुबह से लाइनों में लगी हुई थी अपने बच्चों के साथ अपने इस तरीके से, तो वो रो रही थी वहां पर। उनकी हालत को देखकर मैं रो पड़ा वहां पर, आप यकीन माने मैं वहां पर रो पड़ा, मैं रोया वहां पर। उसके बाद मैं वहां से जो चंद जवान थे उनको अपने साथ लिया और मैंने स्ट्राइक की वहां पर, स्ट्राइक की। जब मैंने वहां पर स्ट्राइक की तो फौरी तौर पर वहां की जो फैसलाबाद की कमिश्नर है, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, उनको पता चला, वो फौरी तौर पर वहां पर आई। ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, फैसलाबाद का हॉकी स्टेडियम खचा खच उन महिलाओं से भरा हुआ था। तो वहां पर आई, उन्होंने मेरी शिकायत सुनी और उन्होंने फौरी तौर पर डांटा इंतजामिया को, और उन्होंने बोला अगर ये सुबह की लाइनों में लगी हुई हैं बारिश के अंदर भी तो आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों अपने घरों में जाकर बैठ गए? तो उन्होंने फौरी तौर पर उसी वक्त जो है वो उनको आटे की तकसीम जारी की, और इस तरीके से मैं उनके हकूक के लिए, उनके हक के लिए लड़ा और ये सारा कुछ किया। तो ये इंसानियत का जज्बा ये होता है कि आप किसी के हक के लिए उनके साथ खड़े हों
और उसके लिए फाइट करें और उनको उनका हक दिलवा के रहें। ये नहीं कि आप उनको आप रेडी या रक्षे के ऊपर बोरियां रखें और उनको अपने पीछे भगाएं, कभी आप कपड़े की सूट रखें और उनको बोलें कि ये इसके ऊपर हमला करें और वो आपस में एक दूसरे के बाल खींचे बाल नोचें, तो ये तो इंसानियत की तजलील है। ये तो कोई किसी का भला नहीं आप कर रहे, उनको जलील करके आप अगर कोई चीज दे भी रहे हैं तो जलील करके दे रहे हैं। तो ये मुझे इस चीज पे एतराज है कि अगर आपने कोई अच्छा और नेक काम करना है तो उसको तरीके के साथ करें और मैनेज कर कर करें ताकि किसी की इज्जत नफ्स जो है वो मजरू ना हो। जी मुजफ्फर भाई, हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो आप काफिर कहेंगे और बहुत से लोग हमें काफिर कहेंगे, हमारे यहाँ इसे दान कहते हैं। और दान का एक नियम होता है कि एक हाथ ने दान किया उसका दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, इस सीक्रेसी के साथ दान करना चाहिए। और जिसे मिला ना उसे ऐसा लगे कि जिस प्रभु को ये जिस ऊपर वाले को वो याद कर रहा था वो दान उसने भेजा है, किसी इंसान ने नहीं दिया। जब तक ये नहीं है तो दान का मतलब नहीं। अब आप उसमें वीडियो बना रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, 5 किलो आटे के पीछे आपने एक इंसान की इज्जत उतार दी। भाई साहब फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप पाकिस्तान की भलाई नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जेब भरने के नाम पर घटियापन कर रहे हैं। और उसके बाद जो हो रहा है उसमें फिर आंसू बने ही बाहर है, मगरमच्छ के आंसू कहते हैं इन्हें, जो दिखाने दिखाने के असलियत में है नहीं। बिल्कुल तो खैर मुजफ्फर भाई, मैं वैसे तो आपसे यार क्या बताऊं, बहुत ये तो लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन दुख हुआ इस तरीके के हालात सुनकर। और दुख हुआ, एक कहावत है आपको पता है, केकड़े के केकड़ा होता है ना, केकड़ा जी। केकड़े की टोकरी में ढक्कन नहीं लगाया जाता, बताओ क्यों? केकड़े की टोकरी में कभी ढक्कन नहीं लगा देखोगे आप, क्योंकि केकड़े में अगर एक केकड़ा ऊपर उठ रहा होगा वो तो दूसरा खींच दूसरा लेगा। ऊपर नहीं उठेगा, दूसरा उसे खींच लेगा कि तेरी ऐसी, मैं नहीं जा रहा तो तू कैसे जा रहा है। आपके इन सारे यूट्यूबर्स की लड़ाई यही है। और इन सबको मैं मैसेज देना चाहूंगा, हम इंडिया से हैं, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं ना, आपको एक में भी इस तरीके की लड़ाई नहीं मिलेगी कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। मैं आपको फोन पे भी बता रहा था और ये ओपनली कह रहा हूं, मेरे पास टॉपिक्स नहीं होते, कई बार दासिया दीदी मैसेज करके कहेगी हरी शाम को इस पे करना है। ओके दीदी, कई बार ऐसा होता है कि मैं बिजी चल रहा हूं तो अल्टरनेट मीडिया वाली गायत्री देवी जी जो हैं, अरे भाई इस पे कर ले, ये तेरे लिए काम आएगा और बढ़िया टॉपिक है। मैंने कहा दीदी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स बताओ। कैन यू इमेजिन, हमारी व्यूअरशिप एक है और वो पॉइंट्स लिख के दे भेज देती हैं कि ले भाई ये 5 पॉइंट है, इनके ऊपर डायमेंशन तू खुद क्रिएट कर ले। कई बार टॉपिक बनाने से पहले अविनाश जी को फोन करके पूछता हूं, अविनाश भाई की फैक्ट्स वाले या अभिषेक तिवारी शो वाले अभिषेक जी से, भाई कुछ टॉपिक बताओ यार, ये समझ में नहीं आ रहा। और वो पूरा डायमेंशन बता के कहते, देख भाई मेरा गला खराब है तू खुद कर ले, मेरा गला खराब है नहीं तो मैं कर देता। जबकि हम सबके व्यूअर्स एक जैसे हैं, प्रारब्ध वाले हैं हमारे अविनाश जी, वो कितने सारे डायमेंशन मुझे दे देते हैं। आप ये सोचिए, मेरे पास टॉपिक्स बनाने का टाइम नहीं होता, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई कुछ टॉपिक दे दो, और मेरे 90% टॉपिक्स इनकी मदद से बनते हैं। आप बताइए, नहीं, पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। पाकिस्तान में जबकि तो जबकि जबकि हमारे आपस में सबके व्यूअर्स सेम है। हमारी ऐसे बात होती है कि दीदी आज मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, आप इस टॉपिक पे बना लो, और वो कहती है हरी मेरे पास 2 टॉपिक हैं। लिटरली गायत्री दीदी ऐसे बात करती हैं कि हरी मेरे पास 2 टॉपिक हैं, एक पे मैं बना लेती हूँ एक पे तू बना, दोनों चलेंगे बढ़िया। सर मैं अपनी मिसाल बताता हूँ। मुझे जब भी किसी ने बोला है कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं हाजिर हूँ।
आप मुझे लिंक सेंड करें, अगर मैं फ्री हूं मैं उसी वक्त इंटरव्यू देता हूँ, और जब मेरी बारी आती है मैं कॉल कर करके मैसेज कर करके तो मुझे आगे से रिप्लाई नहीं दिया जाता। तो ये तो हाल है, आप क्या बताएं, मैं हमारे आपको यहाँ ऐसा आपने नहीं जी है। मैं बता तो रहा हूं, जी मेरे मेरे दो चैनल्स हैं, दोनों में से आप देख लेना। अरे गिरधर सर बता देते हैं कि अरे भाई अरे बेटा ये करो, इस पे टॉपिक आएगा। कैन यू इमेजिन, RSN सिंह सर हैं, वो फोन करके बताते हैं हरी ये टॉपिक इस दिन करना है। ओके सर, भाई हम एक दूसरे से जलेंगे क्यों? मैं सच बता रहा हूं, तारीफ करनी पड़ेगी जो हम एक दूसरे के चैनल्स पर जाते हैं, बातचीत करते हैं। चैनल्स पर जाते तो बाद में है, कई बार पता है क्या होता है, दीदी जरा ये इसका थंबनेल बताओ जरा, अरे इसमें एक काम कर इसको ये चेंज कर, इसमें तब चलेगा। कैन यू इमेजिन, हमारे थंबनेल, हमारी टैगिंग, अरे तूने इसमें टैगिंग अच्छी नहीं कर रखी, इसमें करियो अच्छा जाएगा। आप सोचिए, एक वो जो चैनल है ये अपनी पर्सनल चीज जो बिल्कुल हम लोगों के बीच में बातचीत होती है, ये हम मैं ऑनलाइन बता रहा हूं कि हरी ये कर, ये देख तेरे इसमें टैग है ना, इसमें ये वाला टैग डाल, ये चल रहा है। आप सोचिए, हाँ ऐसा होता है फिर, हरी मेरे पास आज कोई गेस्ट नहीं है, फटाफटा ओके। रोहित भैया कितनी मदद करते हैं मेरी, सुमित जैन जी जो हैं वो कितनी मदद करते हैं मेरी, आप सोचिए कि ये मतलब इस तरीके से हमारा चैनल चलता है। ये तो आप तो कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के। सर मैं बताऊं, मैं आज अगर आपके साथ तो यहां पर बैठा हुआ हूं तो उसके पीछे मेरी जो हेल्प की गई है वो डॉक्टर अभिषेक और दिव्य कुमार। ये देखें, दिव्य कुमार तो चलो पाकिस्तानी थे, लेकिन डॉक्टर अभिषेक सर के मैं बिल्कुल एहसानमंद हूं कि उन्होंने जब भी उनके पास टाइम होता है वो मुझे इंटरव्यू देते हैं, कभी नहीं। हालांकि मेरे उस वक्त सब्सक्राइबर भी मामूली से थे, इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और अब उन्हीं की वजह से आज जी अभिषेक भाई का सुनो, सुबह मैसेज आया, अरे भाई इस पर डिस्कस करना है। मैंने कहा जो आ गया, तो सोच के ऐसे देखो यार, ही है। ये होता है। अभी मेरे को थोड़ी देर पहले इसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना था, अभिषेक भाई इस पर डिस्कस करना है। अरे ठीक है, कितने बजे? 9 बजे। ओके डन, मतलब समझ रहे हैं आप, ओके डन। अब 9 बजे डिस्कस करना है, ओके डन, चलो जी डन। अब भाई मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लेवल का टॉपिक है, इसलिए आपको नहीं आना। अच्छा थैंक यू। सुबह का टॉपिक उन्होंने मुझे बता दिया है, मैंने उनसे कहा अभिषेक भाई सुबह मेरी क्लास है मैं नहीं ले पाऊंगा, कि ठीक है शाम को करेंगे, करेंगे जरूर, सही। हमारे ये कॉपरेशन चलता है। और दूसरे नंबर और रिबाहा, रिबाहा भी कॉपरेट है, उसकी भी मैं बात भाई करूंगा। आपके यहां देखिए, मेरी अभी तक दो तीन से बातचीत हुई है, और जितनों से बातचीत हुई है एक दो हैं जिनमें जी घमंड है, जिनमें घमंड है वो अपने घर में बैठे। ठीक है भाई, मेरे घर की रोटी यार, रोजी रोटी तो यहां से चल नहीं रही, टाइम पास है, लोगों से बातचीत कर लेते, खाली बैठे हुए होते हैं तो भाई सब किताब पढ़ लेते हैं, भाई भारत मैटर्स, खाली बैठे हैं तो वो पढ़ लेते हैं, किसी से बातचीत करनी है बातचीत कर लेते हैं। लेकिन मैं अपने यहां की बता रहा हूं, हमारे यहां लेग पुलिंग नहीं है। आप नहीं है ना टाइम तो जेन्युइनली बोल देंगे नहीं है, और है तो मतलब है। हाँ भाई बोल, क्या करना है, नखरे थोड़ना है, छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो बुलाओ उससे। अरे साथ में बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बढ़ेंगे तो मजबूत तो होंगे। कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है, कोई किसी की वीडियो रिलीज कर रहा है, कोई किसी की फोटो खींच के बैठा हुआ है। अबे तेरी फोटो किसी ने खींच ली तो कैसा लगेगा? तू तो छोड़, अगर किसी लड़की की फोटो को तू ब्लैकमेल कर रहा है, भैया तेरे घर में भी लेडीज होंगी, उनके साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? भाई साहब बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, दिमाग नहीं लगाना है इसमें कि आपके मेरे सबके घर में लेडीज हैं, उनके साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा, बस इतना बता दो।
और अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे तो आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है, आप केवल और केवल एक जानवर हैं जो इंसान के शरीर में घूम रहे हैं। और इतनी सी बात अगर नहीं समझ में आ रही किसी आपके जो भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, तो जनाब इतना समझ लें, ये जितना मर्जी दुनिया को ये करके दिखा लें कि ये पाकिस्तान में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, पहले खुद बदलें, पहले खुद बदलें और बड़प्पन दिखाएं। पैसा पैसे के पीछे भागना बदलना नहीं होता। आप में भाई इन यूट्यूबर्स में और आम जनता में क्या फर्क रह गया? वो भी वही घटिया हरकतें दिखा रहा है थोड़े छोटे लेवल की, तुम भी वही घटिया हरकत दिखा रहे हो किसी के बड़े लेवल की, फर्क क्या रह गया? बुद्धि तो फिर सेम ही हो गई ना, चेंज तो रहा ही नहीं। तो मेरा यही मानना है कि भाई साहब ये मामला एक अलग ही है, और अगर मेरी इन बातों से किसी को असर पड़े और हमारे कॉपरेशन को देख के एक दूसरे को कॉपरेट कर पाए तो जी ठीक है। मुजफ्फर भाई व्यूअरशिप 90% तक सेम है हमारी, पता है कैसे होती है? भाई देख इस टाइम पर मैंने करना है, तू दूसरा टाइम, ठीक है, एक घंटा पहले एक घंटा बाद में, ओवर। एक बंदे ने एक वीडियो देख लिया वो दोबारा नहीं देखेगा, तो दोबारा मान लिया एक का देख लिया तो उसके बाद मेरा देख लेगा, फिर मेरे बाद तीसरे का देख लेगा, तीसरे का चौथे का देख लेगा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। इसमें कौन सी बड़ी गलत बात क्या है ये तो बताओ। बिल्कुल कोई गलत बात नहीं। ये समझते हैं कि अगर उसके व्यूज ज्यादा आ गए तो मेरे कम हो जाएंगे, उसका अगर चैनल ज्यादा चाह रहा है तो मेरा नीचे आ जाएगा, ये सोच का फर्क है आपकी और उनकी। अभी एक बात बताओ, अभी एक वीडियो बनी थी आपकी मेरी और रिबाहा वगैरह की, मेरे चैनल पे मुझे लगा कि ये नहीं चलेगी, वो उठा के रिबाहा ने डाल ली, 20-25 हजार सब्सक्राइबर वो व्यूज आ गए मेरे ख्याल से। अब उसमें मुझे क्या दुख है? बेटा डाल ले, बहड़क है तू भी अपनी, बच्ची तो है, डाल ले बेटा। अब उसके बाद कितने ऐसे चैनल व्यूज हैं, वीडियोज हैं जो हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, वो डाल लेती है, बट बेटा तू भी डाल ले। अब इसका मतलब थोड़ा ना मेरा भी अच्छा, कई एक एक वीडियो तो ऐसी है जो मेरे चैनल के ऊपर 2500-3000 व्यू लेके गई और उसके चैनल के ऊपर लगभग 30-35 हजार व्यूज ले गई, तो इसमें मैं जलूंगा थोड़ा ना, शाबाश। मतलब समझ रहे हो सर, शाबाश, बहुत बढ़िया, इसमें गलत बात क्या है? अरे मान लिया वो 35,000 व्यूज हैं भी, या कितने व्यूज होंगे, 25,000 व्यूज होंगे, कितने डॉलर की बात है भाई साहब? $10 नहीं होंगे 25,000 व्यूज पे। $10 का मतलब इंडियन रुपी के हिसाब से 800 रुपए। 800 रुपए के लिए किसी के मैं कपड़े फाड़ूंगा? बेसिक सी बात है, 800 रुपए के लिए किसी के मैं कपड़े फाड़ूंगा? अरे मैं तो शाबाशी दूंगा, बेटा शाबाश, तू बहुत बढ़िया काम कर रही है, आगे बढ़, ताकि हमारे लिए भी रास्ते खुले। ये बात है भाई साहब, तो ये तो कपड़े फाड़ने वाली बात है, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये, और अरेस्ट हो गया उसके बाद सिंपैथी गेन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो पोस्ट शेयर करी, इससे अगर किसी तरीके का क्राउड इकट्ठा होकर कोई तोड़फोड़ कर देता तो कौन जिम्मेदार होता? YouTube क्यों जिम्मेदार होता? भड़काऊ है बात ये तो, कि देखो मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये भड़काऊ उसमें आता है कि देखो मुझे गिरफ्तार कर लिया, और आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो ताकि कानून अपना काम ना कर पाए। तो क्या होगा? अब ये खतरनाक खेल है, और पता नहीं इसमें है क्या, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। चलो तो आज दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मुजफ्फर भाई ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की काली सच्चाई सामने रख दी है, जो अपने आप में बड़ी खतरनाक है। इसमें अभी के लिए इतना। हाँ जी, इसमें अभी हमारी इस वीडियो के बाद में एक आप समझे के एक तहलका मच जाएगा, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे,
उसके काउंटर पे फिर हमें हो सकता है उनके सवालों के जवाब यहाँ पर देने पड़े, तो दोबारा भी हम इस सिलसिले में दोबारा इस टॉपिक पे दोबारा मुजफ्फर भी बात भाई करेंगे। देखो ओपन चैलेंज है, ठीक है आ जाएं, ये तो है नहीं हम यहां किसी तरीके से घबरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा किसी को बोला नहीं है, गाली किसी को बकी नहीं है, ठीक है, एक ओपन डिस्कशन है, किसी को अगर प्रॉब्लम है काउंटर में वीडियो बनानी है तो बनाए, उसके बाद काउंटर काउंटर में में बनाए क्वेश्चन। या आपका ही चैनल है, यहां पर आ जाए, मुझे भी आप बुला लें, उनको भी बुला लें, हाँ शोएब उन चौधरी को एक मैं काम ऑफर करते करता हूं कि हैं, हाँ एक काम वो आ करते जाए जरा। हैं, जी शोएब जी को, हमजा जी को, शहला, अनम, मुजम्मिल, साना, अमजद, जितने भी हैं ना, ये ओपन चैलेंज है, इनको यहां आए और डिस्कस करते हैं, या अपने चैनल पे मुझे बुलाएं, हम डिस्कस करते हैं कि भैया ये क्या तुम क्या ड्रामा है, और या फिर मुंह छुपा के बिल्कुल बैठ जाएंगे तो भाई साहब बैठ जाओ, फिर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये चीज है, और फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो काली सच्चाई है भाई साहब ये तो काली है, ऐसे तो कपड़े फाड़ने से काम चलेगा नहीं, ओपन चैलेंज है, आप शेयर वेयर कर दीजिएगा कि जितने पाकिस्तानी चैनल ये हैं ये यहां आए और अपनी सफाई अगर दे रहे हैं तो दें, नहीं तो अपने चैनल पे कोई काउंटर वीडियो बनाए ताकि हम भी बनाएं, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ये तो आपने एक दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली बात कर ली ना कि मैं गिरफ्तार हो गया और पता लगा शाम को दो वीडियो अपलोड हो गई। अच्छा उसका काउंटर में ये डाला कि हाँ मैं छूट रिलीज भी हो गया, नहीं ये नहीं बताया आपने। गजब है, इसका मतलब बात की वैल्यू नहीं। जी बिल्कुल गिरफ्तार हुआ ही नहीं। हाँ अरेस्ट का मतलब तो गिरफ्तार होता है, जी गिरफ्तार हुआ ही चलो नहीं। ये तो झूठ हो गई एक तरीके से, ठीक जी बिल्कुल है, तो एंड करते हैं आज इस सेशन को, ओपन चैलेंज है भैया, लोगों जितने जितने भी हैं जिसको बुरा लगा हो यहां आके सवाल पूछ ले, फोन नंबर तो शोएब भाई के पास भी है, और नहीं है तो ले लेंगे यार, क्या समस्या है, ठीक है, और आके डिस्कस करते हैं कि क्या ये ड्रामा कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, मुजफ्फर भाई का परफेक्ट रिएक्शन आज का परफेक्ट रिएक्शन था, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे, धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद वेरी मुजफ्फर मच। भाई। थैंक यू सर। थैंक यू।